हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कहने का मतलब कि जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे और टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो उस क्वान्टिटी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो फार्मूला हमारा बनता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी में जो आपका चेंज आता है उसमें टाइम का डिवाइड करते हैं, टोटल टाइम का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसका मतलब अगर ये मान लिया जाए कि एक्सेलरेशन आपका स्मॉल ए है और वेलोसिटी आपका V1 से V2 में चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूँगा V2 माइनस V1 ये आपका क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम आपका T है, ये आपको क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है वेलोसिटी और टाइम में और एक्सेलरेशन में, तीनों में रिलेशन हम पता करें। तो हम ये सपोज कर लें कि मेरे पास एक ओरिजिन पॉइंट O है, अगर मैं O से A तक पहुंचता हूं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं? X1, और टाइम कितना लग रहा है? T1। और जब O से B तक पहुंच रहा हूं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा हूं? X2, लेकिन टाइम कितना लग रहा है? T2। इतना तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर ये बोल दिया जाए कि हम ए और बी के बीच निकालना चाहते हैं, मान लो ए पर वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी यू, और बी पर कितना था? वी। तो हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू है और उस समय टाइम कितना है? 0। और फाइनल वेलोसिटी कितना है? बी, और उस समय टाइम कितना लग रहा है? मान लो टी। मान लो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं T1 से T2 में, जिसमें T1 की वैल्यू 0 मान लिया जाए, T2 की वैल्यू क्या मान लिया जाए? वी। तब इसी फार्मूला को हम क्या लिख सकते हैं? इसी फार्मूला को लिख सकते हैं, मान लो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v2 के प्लेस पे रख दिया v, और इनिशियल कितना है? v1, उसको प्लेस पे रख दिया u, और टोटल टाइम आपका देखिए t1 की वैल्यू 0 और t2 के प्लेस पे कितना रख दिया? t। तो ये फार्मूला बन गया a = v - u / t। t का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा at = v - u, माइनस u इस साइड आएगा तो v = u + at। इसी रिलेशन को बोला जाता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन, ठीक है। हम डिस्टेंस पर रिलेशन अगर निकालना हो तो तरीका वही करेंगे। हम मान लें कि डिस्टेंस कितना है x1 और ये डिस्टेंस कितना है x2। एक चीज़ तो आपको पता है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं मान लूँ कि मुझे ए और बी के बीच पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा? ओ बी में से ओ ए को जब माइनस करूँगा तो मुझे ए बी का डिस्टेंस मिलेगा, मतलब x2 - x1, और टाइम कितना लगेगा? t2 - t1। तो हमारा भी एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस है x2 - x1 / t2 - t1। और हमने ये भी पढ़ा है एवरेज, अगर दो वेलोसिटी है उनका एवरेज अगर निकालना हो तो दोनों को ऐड करके हाफ कर सकते हैं, तो v1 + v2 / 2 ये भी कर सकते हैं। दोनों ही एवरेज है, दोनों को इक्वल कर देता हूँ, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मिलाऊंगा तो x2 - x1 / t2 - t1 = v1 + v2 / 2। अगर इसमें देखा जाए तो अगर मैं t2 - t1 को इस साइड लेकर आता हूँ तो मिल जाएगा आपको x2 - x1 = t2 - t1, और ये आपका है v1 + v2 / 2। अगर मैं मान लूँ कि x1 की वैल्यू क्या है? 0, मतलब स्टार्टिंग अगर बोल दिया जाए या ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो आपका डिस्टेंस कितना रहेगा? 0। और स्टार्ट करके कितने डिस्टेंस तक जाता है? यस डिस्टेंस तक जाता है, तो फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एच। मान लीजिए स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वी। और स्टार्टिंग में टाइम कितना लग रहा है? जू टी सॉरी 0। और लास्ट में टाइम कितना लग रहा है? टी। अब इन सभी वैल्यू को इसमें पुटअप करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए, जब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, देखिए x1 की वैल्यू 0 और x2 के प्लेस पे यस रखना है, तो यस इज इक्वल टू लिखूंगा t - 0, चूँकि t2 की वैल्यू t है और t1 की वैल्यू 0। v1 का u है, v2 का v है, तो u + v / 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा t का अंदर मल्टीप्लाई अगर करें तो tu और + vt। और एक चीज़ तो आप जानते ही हैं कि जो v की वैल्यू होती है, v कितना होता है? u + at। इक्वेशन फर्स्ट वाले में v के प्लेस पर हमने क्या लिखा था? u + at लिखा था, तो रख दिया। आप t का अंदर मल्टीप्लाई जब करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा? देखिए, t का u में मल्टीप्लाई होगा ut, t का भी a में मल्टीप्लाई होगा तो at2। ut और u2 कितना हो जाएगा? 2 ut और at2 अपने प्लेस पे। अगर मैं 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यस इक्वल टू मिलेगा ut,
और 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को बोला जाता है डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन। नेक्स्ट आपका रिलेशन आता है लास्ट, ये दो इक्वेशन हमने प्रूव कर लिया है। थर्ड इक्वेशन आपका क्या होता है, रिलेशन पोजिशन एंड वेलोसिटी, वही चीज़ होता है सेकेंड इक्वेशन का ही आपका इसमें भी होता है। वैसे ही हम करेंगे जैसे हम फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में किया कि दोनों के भी एवरेज निकाल के इक्वल कर दिया भी एवरेज, तो उस कंडीशन देखिए मुझे फार्मूला क्या मिला था, x2 - x1 इक्वल टू v1 + v2/2 इक्वल इंटू t2 - t1 यही मिला था। और हमने ये भी तो पढ़ा है कि a इक्वल टू इतना होता है, हमने ये पढ़ा है a इक्वल टू कितना होता है v2 - v1/t2 - t1। तो अगर मैं यहाँ से t2 - t1 को इस साइड भेज दूँ, a को इस साइड लेकर आऊँ, तो मिल जाएगा v2 - v1/a। इस प्रकार से लिख सकता हूँ v2 - v1/a। अब बताइए ये जो आपका t2 - t1 है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट अप कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x2 - x1 इक्वल टू v1 + v2/2, ये तो रहेगा ही, इस t2 - t1 की प्लेस पर मैं ये रख सकता हूँ v2 - v1/a। अब देखिए ये आपका v1 + v2 है, ये आपका v2 - v1 लिख सकता हूँ v2² - v1² और 2 में a का मल्टीप्लाई करूँगा 2। अब वैल्यू पुट अप करता हूँ, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू यस, t1 0, t2 की वैल्यू t, अब v1 का ये v2 की वैल्यू 2। तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यस इक्वल टू मिल जाएगा v1 की वैल्यू u है u² / 2a और 2a का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as इक्वल टू v² - u² और हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, लास्ट में हम लिख सकते हैं v² = u² + 2a। ये आपका तीनों इक्वेशन आपको प्रूव करने आना चाहिए।